प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी यानी वसंत भाग प्रथम में लेसन नंबर 3 नादान दोस्त पाठ को पढ़ रहे थे। उस पाठ को हमने पूर्ण पढ़ लिया था, यानी पूरा पढ़ लिया था, और पिछले वीडियो में इसके शब्दार्थ और कहानी से मैं 3 क्वेश्चन आंसर इसके करवा दिए गए थे। आज इसी कड़ी में कहानी से आगे इसके प्रश्नोत्तर को करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी से आगे में क्वेश्चन देखो। कहानी से आगे पहला है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? कहानी से आगे में क्वेश्चन है, फर्स्ट, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो इसका आंसर है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसका आंसर है, केशव और श्यामा के दिल में अंडों को लेकर तरह तरह के सवाल उठते थे। केशव और श्यामा के दिल में अंडों को लेकर तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे? अंडों से बच्चे निकल आए होंगे? चिड़िया इतना दाना पानी कहाँ से लाएगी? दोनों के माता पिता यानी दोनों बच्चों के माता पिता को काम धंधों से फुर्सत नहीं थी, यानी केशव और श्यामा के जो माता पिता थे उन दोनों को काम धंधों से फुर्सत नहीं थी। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। यदि इस जगह मैं होता तो मैं भी अनुमान लगाता। लेकिन अपने माता पिता से पहले इन सब के बारे में जानकारी ले लेता इन लेकिन अपने माता पिता से पहले इन सब के बारे में जानकारी ले लेता क्योंकि हम जानते हैं कि चिड़िया के अंडे छूने से क्योंकि हम जानते हैं कि चिड़िया के अंडे छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन्हें फिर कभी नहीं सेती है फिर उन्हें कभी नहीं सहती है। एक बार फिर सुनो इसका आंसर, केशव और श्यामा के दिल में अंडों को लेकर तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे? अंडों से बच्चे निकल आए होंगे? चिड़िया इतना दाना पानी कहाँ से लाएगी? दोनों के माता पिता को काम धंधों से फुर्सत नहीं थी, यानी केशव और श्यामा के माता पिता से है, यानी दोनों के माता पिता को काम धंधों से फुर्सत नहीं थी। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। यदि इस जगह मैं होता तो मैं भी अनुमान लगाता लेकिन अपने माता पिता से पहले इन सब के बारे में जानकारी ले लेता क्योंकि हम जानते हैं
कि चिड़िया के अंडे छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन्हें कभी नहीं सहती, वह उन्हें नष्ट कर देती है, वह उन्हें नष्ट कर देती है। ये सब आपने, ये आपने लिखना है। अब दूसरा प्रश्न इसका, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकले का कारण क्यों नहीं बताया? कारण क्यों नहीं बताया? क्वेश्चन है दूसरा, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? इसका आंसर है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा इसलिए बाहर निकल आए, माँ के सोते ही केशव और श्यामा इसलिए बाहर निकल आए क्योंकि उन्हें चिड़िया के अंडों को देखना था, यानी चिड़िया के अंडों को देखना था। यदि वे इस सब के बारे में बताते तो माँ उन्हें भरी दोपहर में बाहर नहीं निकलने देती। बाहर नहीं निकलने देती। एक बार फिर है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा इसलिए बाहर निकल आए क्योंकि उन्हें चिड़िया के अंडों को देखना था। यदि वे इस सब के बारे में बताते तो माँ उन्हें दोपहर में बाहर नहीं निकलने देती। तो ये सेकंड का आंसर हो गया कहानी से आगे में। अब इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? इसमें क्या शीर्षक देना चाहोगे? अब इसका आंसर है, प्रेमचंद ने इस पाठ का नाम बड़े सोचकर नादान दोस्त रखा था। यदि मैं इस जगह होता तो मैं इस पाठ का नाम बचपन की नादानियाँ या चिड़िया के अंडे रखता। तो ये कहानी से आगे के तीन क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आगे है अनुमान और कल्पना वाले। अनुमान और कल्पना का हम फर्स्ट क्वेश्चन ही करेंगे आज, फर्स्ट ही क्वेश्चन करेंगे। क्या इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है? अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है, अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और साथियों को बताओ। अब इसका आंसर है, चिड़िया के अंडे देने और उन्हें सेने का हक निश्चित समय मौसम और ऋतु होती है। चिड़िया के अंडे देने और उन्हें सेने का एक निश्चित समय मौसम और ऋतु होती है। चिड़िया यह काम ज़्यादातर गर्मी में ही करती है। यदि यहाँ गर्मी के स्थान पर सर्दी के दिन होते तो चिड़िया
तो चिड़िया सर्दी में या तो सिर्फ दाना सर्दी के दिन होते तो चिड़िया सर्दी में या तो सिर्फ दाना या कीड़े ढूंढने के लिए ही कीड़े ढूंढने के लिए छत की कॉर्निक्स पर बैठी दिखाई देती। अगर सर्दी का दिन होता तो चिड़िया केवल दाना या कीड़े छोटे छोटे जो कीड़े होते उनको ढूंढने के लिए छत की कॉर्निक्स पर बैठी दिखाई देती। यदि बरसात के दिन होते तो वह कॉर्निक्स पर बैठती है। यदि बरसात के दिन होते तो वह कॉर्निक्स पर बैठती ही नहीं यदि बरसात के दिन होते तो वह कॉर्निक्स पर बैठती ही नहीं और न ही फिर हमारे मन में इस प्रकार की उत्सुकता पैदा होती एक बार फिर सुनो, चिड़िया के अंडे देने और उन्हें सेने का एक निश्चित समय और मौसम और ऋतु होती है। चिड़िया यह काम ज़्यादातर गर्मी में ही करती है। यदि यहाँ गर्मी के स्थान पर सर्दी के दिन होते तो चिड़िया सर्दी में या तो सिर्फ दाना या कीड़े ढूंढने के लिए छत की कॉर्निक्स पर बैठी दिखाई देती। यदि बरसात के दिन होते तो वह कॉर्निक्स पर बैठती ही नहीं और न ही फिर हमारे मन में इस प्रकार की उत्सुकता पैदा होती। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसका पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी वे कहाँ गई होंगी इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी वे कहाँ गई होंगी इस पर अपने दोस्तों के साथ बातचीत करो। सेकंड का आंसर है अनुमान और कल्पना में। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बोल रहा हूँ, चिड़िया अंडों के गंदे हो जाने पर चिड़िया ने उन्हें स्वयं तोड़ दिया, अर्थात उन्हें नष्ट कर दिया। अंडों के नष्ट हो जाने पर फिर उनके पास केशव के घर की कॉर्निक्स पर रहने का कोई कारण नहीं रहा। इसलिए दोनों चिड़िया वहाँ फिर दिखाई न दी। शायद वे दोनों अपने लिए नया घोंसला बनाने के लिए नए स्थान को खोजने के लिए उड़ गई होंगी, जिससे वे वहाँ पर दोबारा अपने अंडे दे सकें और उन्हें कोई छू भी न सकें। एक बार अनुमान और कल्पना में सेकंड का आंसर फिर बोल रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुने। तो ये थे प्रिय बच्चों लेसन 3 के कहानी से आगे और अनुमान और कल्पना में 1st और 2nd के आंसर। आज के लिए आपका इतना ही गृह कार्य करना है। कहानी से आगे के 1st, 2nd, 3rd और अनुमान और कल्पना में 1st और 2nd, कुल मिला के 5 प्रश्न उत्तर आज करवाए गए हैं। आप सभी ने इन 5 प्रश्न जो आज करवाए हैं वो आपने अपनी कॉपी में करने हैं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और ध्यान से गृह कार्य को करें, मात्राओं का विशेष ध्यान रखें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अनुमान और कल्पना के 3 नंबर क्वेश्चन और भाषा की बात को करेंगे। थैंक्स।